हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शुभम वसंत में। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूंडई i20 इलाइट 2018 के बारे में और जानेंगे इसके कुछ फीचर्स। साथ ही में इस गाड़ी को आज हम कंपेयर करेंगे फोर्ड इको स्पोर्ट टाइटेनियम 2018 के साथ। सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो में जो i20 आप कार देखेंगे वह फेसलिफ्ट वाला वेरियंट नहीं है जिसे की ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया गया है। यह विदाउट फेसलिफ्ट वेरियंट है और इसी गाड़ी को आज हम कम्पेयर करने वाले है। इस गाड़ी को हम देखते हैं तो सबसे पहले इस गाड़ी में हमें दिखाई देते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एलईडी डीआरएल्स के साथ में। ये फीचर आपको फोर्ड की इको स्पोर्ट गाड़ी में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन फीचर नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा ह्यूंडई i20 में। इस गाड़ी की लेंथ है 3.99 मीटर, विड्थ है इसकी 1.74 मीटर और हाइट है इसकी 1.5 मीटर। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। व्हील बेस है गाड़ी का 2570 mm। 16 इंच के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं डायमंड कट एलॉय व्हील्स के साथ। बूट स्पेस है गाड़ी का 285 लीटर। फ्यूल टैंक मिल रहा है गाड़ी में 45 लीटर। फ्रंट रो में काफी अच्छा सिटिंग स्पेस हमें इस गाड़ी में मिल रहा है। डुअल टोन का डैशबोर्ड है फुल टच इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। 12 वॉट का डीसी पावर आउटलेट इस गाड़ी में हमें मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनर का फीचर हमें मिल रहा है हीटर के साथ दोनों ही कार्स में। आर्मरेस्ट इस गाड़ी में फ्रंट में मिलेंगे। फ्रंट और रियर दोनों ही केबिन्स में हमें मिल रहे हैं लैंप्स। सेफ्टी की अगर बात करें तो सेफ्टी के हिसाब से इस गाड़ी में हमें मिल रहे हैं 6 एयरबैग्स। ABS की टेक्नोलॉजी से ये गाड़ी लेस है। EBD और BA का फीचर अभी इस गाड़ी में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ABS हमें फोर्ड की इको स्पोर्ट में भी मिलता है, लेकिन फोर्ड इको स्पोर्ट में हमें सिर्फ डुअल एयरबैग्स ही मिलते हैं। पुश स्टार्ट और स्टॉप बटन फीचर हमें दोनों ही गाड़ी में मिलता है। क्रूज कंट्रोल दोनों में से किसी भी गाड़ी में अवेलेबल नहीं है। पार्किंग सेंसर दोनों ही गाड़ी में हमें मिलते हैं सिर्फ रियर में। पार्किंग असिस्ट रिवर्स कैमरा फीचर सिर्फ हमें मिलता है ह्यूंडई i20 इलाइट, ये हमें फोर्ड इको स्पोर्ट में नहीं मिलता है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी में हमें मिलता है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर दोनों ही कार्स में हमें मिल रहा है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गाड़ी में दिया गया है स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ। बेंच क्लास की रियर पैसेंजर सीट्स हैं दोनों ही कार्स की। मैनुअली एडजस्टेबल रियर पैसेंजर सीट्स का ऑप्शन हमें मिलता है सिर्फ फोर्ड इको स्पोर्ट में। रियर AC वेंट सिर्फ हमें ह्यूंडई i20 में मिल रहे हैं, ये हमें फोर्ड इको स्पोर्ट में नहीं मिलते हैं। ह्यूंडई i20 में हमें दिया गया है 1396 cc का इंजन, फोर्ड इको स्पोर्ट में हमें मिलता है 1498 cc का इंजन। ह्यूंडई i20 का इंजन मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 79 bhp की 4000 rpm पर। फोर्ड का इंजन मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 99 bhp की 3750 rpm पर। मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है फोर्ड इको स्पोर्ट 205 का 1750 rpm पर। i20 मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 220 nm का 1500 rpm पर। ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिल रहा है फोर्ड इको स्पोर्ट में 200 mm का। ह्यूंडई i20 का ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm। अब बात करते हैं हम इन दोनों कार्स के ऑन रोड प्राइजेस के बारे में। ह्यूंडई इलाइट i20 आस्था 1.4 CRDI का ऑन रोड प्राइस 10,32,000 रुपए है। फोर्ड इको स्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 लीटर TDCI का भी ऑन रोड प्राइस 11,26,000 रुपए है। ये प्राइजेस आपके सिटी और स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होंगे। अगर आप इन दोनों में से कोई सी भी कार को खरीदने जा रहे हैं तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम से इसके प्राइसेस के बारे में पता कर सकते हैं। और इन दोनों में से किसी भी गाड़ी को लेने से पहले आप उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिएगा, इसी के बाद आपको ये क्लियर हो पाएगा कि गाड़ी आपके लिए है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस डेली डालता हूँ। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें उसके सामने बेल का आइकन आएगा, उस आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।